पञ्चायत अफिसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन निकाल्नु छ मेरो पासपोर्टको लागि. के हुन्छ अरे अब यही हुन्छ छोराहरू चाहिँ अब यस्तै क्यामेरा लिखेन इक्जाम दिनु परेन. गर्ल्स वेलकम टु अनिशा एन्ड रुबेन्स ब्लग एके अथिना ब्लग्स. सो आजको ब्लग एनदर विकली अफ अनदर डे. सो आज चाहिँ म हिजो सिलगढी आइपुगेँ. आमालाई पनि किन आउनु पर्थ्यो किनभने आमा पनि दार्जिलिङ गएको थियो. सो आमा दार्जिलिङ गयो भन्दामै मैले आमालाई इभिनिङमा लिइकन आएँ. त्यहाँबाट इभिनिङमा लिइकन आउँदा अनिसालाई मैले भनेको थिएँ आउनुको लागि भनेर. बट देन सी कुडन्ट कम बिकज हिजो अत्याचारै गरम थियो. सो आई सेड लाइक भोलि आऊ भनेर. अन्त अनिसा इज अन द वे. सो आजको ब्लग के हुनु गइरहेको छ त्यो म थाहा छैन. इट्स गोइङ टु बी अ नर्मल डे यु ब्लग. फर्स्ट अफ अल आई जस्ट वोक अप. अब आई विल जस्ट ब्रस माई टिथ एन्ड एभ्रिथिङ. त्यहाँबाट म ब्लग स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु. सो स्टिल देन बिफोर द्याट आई हेभ भेरियस वर्क. धेरै बहुत सारा काम है क्योंकि गेवी भेरिफिकेसन. मेरो पासपोर्ट अलरेडी अप्रुभ हो चुका है. दिस इज माई रिन्युअल फर द पासपोर्ट एन्ड दिस माई भिजा वान अफ माई भिजा एन्ड दिस इज वान अफ माई भिजा. सो डकुमेन्ट्स इज रेडी. डकुमेन्ट्स सब कुछ रेडी है. गेवी भेरिफिकेसन उन्होंने 1 बजे बुलाया. सो सेइंग दैट वहाँ पर भी जाना है और छुट्टी है तो घूमने तो जाना हो गई. सो अनिशा के बिना मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ. आशा है सब आप सबको पसंद आएगा. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर द व्यूज़. आई डोंट नो लाइक बोलने के कारण है या कुछ कारण से लास्ट 2 वीक्स में अच्छा व्यूज़ आ रहा है. सो थैंक यू एवरीवन. जो भी ये चारों को देख रहे हैं या मतलब किसी ने लाइक किया. बहुत सारा लाइक्स है. बहुत सारा कॉमेंट्स आया है फेसबुक के थ्रू और आपके यूट्यूब के थ्रू. दोनों माध्यम से हमें बहुत सारा लाइक और कमेंट मिला है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस. ऐसे ही सपोर्ट कीजिए. आगे चल के हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट और बनाएंगे आपके लिए. सो सेइंग दैट अब मैं जस्ट उठा हूँ. अभी ब्रश करेंगे. ब्रश करने के बाद मैं नाश्ता करने जाऊँगा. मैं अकेला हूँ. अनिशा ट्रेन में आ रही है बाय द वे. शी इज क्लिकिंग पिक्चर्स और देर. वो मेरे को बोल रही थी रील्स बना रही है. सो ट्रेन में आ रही है. सो उसको लेने भी जाना पड़ेगा. सो तब तक बने रहिए. आगे देखते क्या होता है. अद्रीलाई मन पराउने जस्तैले. अद्री ठिक छ. अद्री तरी तर अद्री ठिक छ. भन्दैछ जितिनाले नि हेर्छ. सुबेन्दु सुबेन्दु टिटी भएको थियो. टिटी हौ टिटी हौ ट्रेन 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 टिसी टिकट चेक गरौ. ए त्यो भगवान् टिटी पनि चिन्दैन. बिमारीको नाम पो टिसी होला भने के भयो. मैले ओभरडोज भएर बङ्गाली चाहिँ डरलाग्दो सुन्थ्यो नि त. सुबेन्दु सुबेन्दु सुबेन्दुलाई हेप्थे होइन. सुबेन्दुलाई हेप्थे होइन तिमीहरूले. सुलभले क्या सुलभले क्या सुलभले यस्तो भन्थ्यो कि. अब अबदेखि 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ शक्ति तेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा. ट्रेनको ड्राइभर पनि हुँदैन. ए छोराहरू किन के हुन्छ अरे. अब यही हुन्छ पक्रेर मलाई. छोराहरू चाहिँ अब यस्तै क्यामेरा लिखेन. इजी इन्कम हो नि त हो. अन्त इक्जाम दिनु परेन. कम्पनी पढ्नु परेन. इन्जिनियरिङको पेपर लेख्नु परेन. टेस्ट लेख्नु परेन. यो लेख्नु परेन. हात क्यामेरा पक्रा बोली गिन्दिहाल्छ. जाउ निक्ल. युट्युबले पैसा दिइहाल्छ. होइन युट्युबलाई फाइदा छ. तर कम्पिटिसन चाहिँ बढ्छ नि त यसैमा पनि त. यसमा त हेरेको छैन नि त. भोलिभरि इक्जाम बस्नुपर्छ. ला पास भएन भने एक न एक दिनतिर आशा भन्छ नि. एक न एक दिन त मेरो एउटै त ब्लग हिट्यो. म एउटै ब्लग हिट्यो नि फेमस भयो. डली छ देखाउँदै थिएँ कि. त्यसको एउटै ब्लग हिट भएको छ. जसमा 13 लाख भ्यू आएको रहेछ. 1.3 मिलियन भ्यू कि 10 रुपियाँ भ्यू भएको. त्यसको अर्निङ त्यहाँबाट $238 भएको रहेछ बुझ्यो. अब छोरा ट्रेन ड्राइभर पनि हुँदैन. भाइ ट्रेन ड्राइभर त गभर्मेन्ट जब हो भाइ. सेन्ट्रल गभर्मेन्ट जब कुदाउने पनि हुँदैन. सेन्ट्रल गभर्मेन्ट लास्ट आइटिआई पढ्नेलाई दिइहाल्छ. सबैले त गर्दैछ. न्यु जेनेरेसन शक्तिले चाहिँ भन्दैछ अब आऊ भन्दा 10 वर्ष पछाडि चाहिँ के अरे हुँदैन. युपिएससी क्र्याक गर्नेहरू कोही हुँदैन. युपिएससी यत्रो पढेर साला क्लास 1 को मन्त्रीले मलाई हेप्छ भने म किन युपिएससी गर्छु. होइन मेरो सेलिब्रिटी भयो भने मन्त्रीले त्यसलाई स्टेजमा उयो लगाइदिन्छ. माला लगाएर उयो गरिदिन्छ. तर त्यो डिएमलाई कस्तो जाइप दिन्छ. कट्दै काम तपाईँ ट्रान्सफर भन्नुहुन्छ. तर त्यो युट्युबरलाई अब भाइ अब होइन. तर त्यही छ. त्यो मान्छेले 5 साल आफूलाई रुम छोडेर पढेको हुन्छ.
ठिकै कुरा हो, त्यो सेवा चाहिँ जनतालाई दिँदैन मन्त्रीलाई दिन्छ, जनतालाई त लाता हिँड्छ लेप्छ त्यही हो लेख्नु चाहिँ, फेरि उसको अन्डर लेख्छ म सेवा गर्छु डौरी लिँदिनँ होइन देशलाई यसरी अगाडि बढाउँ त्यसै बढाउँ कोही गर्दैन कोही गर्दैन भनिहाल्नु होला कि अरे अबदेखि 5 वर्षमा चाहिँ अब यसको भनाइ चाहिँ केही हुँदैन अरे, अब सब युट्युबरहरू मात्रै हुन्छ अरे यहाँ कोही युपिएसै पनि पढ्नु सो एनिवेज भर्खर पार्सल अराइभ भएछ अन्त अनिसाले मगाएको नो स्ट्रिप नो स्ट्रिप सेटाफेल यो मोइस्चराइजर यो पनि सेटाफेल दुईजना बुढाबुढीको लागि त्यहाँबाट वी गट सनस्क्रिन फोक्सटेलको के राजीव अन्त यो ड्यु फिनिस यो फोक्सटेलको सनस्क्रिन सो पार्सल पनि आइपुग्यो शक्तिकोमा पुगिकन आएँ तिनै खान्छ बाहिर खाजा खान्छु जान्छु भन्दै थियो तर बद्ध शक्तिकोमा बसेर अलिक छ्याएर उयो खाएँ अनि अन्स आउँदैछ सो सेङ द्याट अन्सा बि आगे टायर दोकानमै आएको थिएँ टायरको हावा नै है पता नै भाइ किरण तुमने कल टायर चेन्ज किया था बट देन अभी भी आवाज आ रहा है बैठ गया है भाई पूरा टायर ये टायर बैठ गया है पूरा टाइम लगेगा नहीं भाई दूसरा चीज़ में टाइम नहीं लगाता भाई हाँ ये सब चीज़ एक घंटा लगेगा एक घंटा में क्या होगा भाई ओ नया टायर है इसीलिए तो जल्दी कर रहा है हम लोग पुराना टायर वाला आपके लोगों का भाव देगा मुझसे नया टायर ले रहा है इसलिए जल्दी कर दे रहा है मेरा वो रिंग भी दे दीजिएगा पंचायत ऑफिस में चाहे रेसिडेंस निकालना सो मेरे पासपोर्ट लगा के सोचिए वाड़ा पंच प्रधान तो 1:30 बजे आँच अरे हेरौँ अब अगाडि गएर के हुन्छ उसलाई त मैले सोधेको हो उसले भन्दैछ फर्म फिलअप गर्नु अहिले भइसक्यो तपाईँको 11 तर पनि कोही छैन ल बढिया हेरौँ अब 1:30 बजे आएर हेर्छु 1:30 बजे त मलाई अफिस उता माटीगढा पुलिस स्टेसन बोलाएको छ तर माटीगढा पुलिस स्टेसन बोलाउँदै यहाँ 1:30 बजे भनेपछि उता जाँदा जाँदा 3-4 हरू बस्छ होला र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब मेरो टाइम यति साह्रो सर्ट छ अनि साल गएर पहिला पिकअप गर्छु बिचरा उसलाई गरम भइरहेको होला अघि आएर मतलब 15-20 मिनट भइसक्यो आएको हो अब यहाँ पञ्चतर्फबाट निस्केर चाहिँ म अनिसालाई पिकअप गर्न जान आँटेको छु ब्ल्याक लगाएको छु गल्ती गरेँ ब्ल्याक टी सर्ट लगाउनु चाहिँ तर एनिवेज म बेसी जस्तो गाडीमा आउँछु भनेर मैले ब्ल्याक लगाएको अब यहाँबाट पोस्ट निस्किँदैछु म अनिसालले फोन गरेको छ सो भएन यहाँ काम 1:30 बजे आउनु भनेको छ हेरौँ के हुँदो रहेछ डिएबी भेरिफिकेसनको लागि पनि टाइम लाग्ने रहेछ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन बोइज एन्ड गर्ल्स सो माई वाइफ इज हियर सो माई ब्युटिफुल वाइफ इज हियर आफ्टर 1 week माई ब्युटिफुल वाइफ इज हियर फाइनली दैलो बन्द गर्नु पऱ्यो नि त हाई गाइज भन्दा न हाई गाइज कैसे हो भन्दा गरम भयो नरम भयो पुरा गरम छ हाई गाइज कैसे हो तो फिर फाइनली 1 week के बाद मुलाकात हो ही गया 1 week और गरम छ पुरा पड्का फेन्टा किन्दिछ त फेन्टा किन्दिछ त पड्का फेन्टा फेन्टा कॉपीराइटेड फेन्टा त किन्दिछ त पड्का सिधा भयो ढाड ढाड सिधा भयो म त यहीँ घुम्दैछु नगर अब टर्चर भयो मेरो राइस दिस रेड राइस एन्ड म्याडम इज इन्जोइङ द राइस बटुका बटुका होला राइस बट दिस इज बटुका 1 बटुका This is boiled vegetable, this is naga dal,
this chutney and this is another chutney. Hatna hala re kina hatna kina hatna red rice pork dal boiled veggies and pork and aloo chutney. She has taken it all the way there because she wants to have that. She's enjoying the food. I'm gonna lick up. Those are not accustomed with Naga food might hate it, but like, I don't know. We two have the same, but she likes it a lot. And maybe both pasand hai Naga food. So anyways, whenever you are around in South Bali, please visit this place, Hornbill. It's a lovely joint. Matlab, kya batao? Tantalizing hai. Mooh mein matlab taste. It's losing the flavor. Name of the place? Hornbill. It's in just beside Hornbill is the name of the restaurant where we at Naga cuisine. Now we are going to Shivkhola. Supanaka in famous Hanuman Mandir. As you can see, it's a big statue. Write in the comment. Jai Sri Ram. Say it. Shivkhola. Anisha is dressed up. Khola khelna ko lagi. This is how she looks. Pani khelna ne aako yo. Lock kare chhe na ta. Gorda. Se kina khole ga second wala. Mai na lock pachhe ma ke khol bhan. So Anisha finally settled bhaisakyo. Shivkhola chhi yo haina re Shivkhola chhi arko chha re ho. दूसरा वाला शिप कोला देखना है उसको, पता नहीं कौन सा वाला शिप कोला है. अच्छा कहाँ जा रहे हो? और कुछ है मला पानी खेलाउने ल्याएको अरे लुगा पनि ल्याएको छैन आफूले चाहिँ. पानी खेल्दै पानी खेल रहे हैं मेरे बीबी जी. चीसो वाह ठंडा हो गया. ओ मेरो एक्शन क्यामेरा चाहिँ पानी भित्र पस्छ तर पानी भित्र चाहिँ हैंडल तो चुपाल हो. सो जैसा कि देख सकते हो 38 डिग्रीज की गर्मी में थोड़ा ठंडापन का एहसास. गंजापन नहीं ठंडापन. और मैडम देखो एंजॉय करते हुए पानी को. कब से बोल रही थी शिवखोला लेके आओ शिवखोला लेके आओ. फाइनली आ जा ना आ जा. देखने का के गरेको पानी से भाग रहा है. इतना पानी से भी भाग रहा है. ना पानी से भाग रहा है. मजा है. आँखा तेरा की भयो आँखा रातै भयो छ अम्बो. वन मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ मैंने नोटिस किया यहाँ पे. मतलब जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे काफ़ी ये बियर के बॉटल प्लास्टिक वेस्ट अभी काफ़ी बढ़ गया है.
थोड़ा मतलब गंदा हो गया है शेख खोला। अभी देखो जैसे प्लास्टिक वहाँ पे है, प्लास्टिक वहाँ पे है, प्लास्टिक वहाँ पे है। सो रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी शेख खोला आते हो तो ये सब गंदा गंदा मत करो, इन्जॉय करना है करो, लेकिन बदन ये सब करने से मतलब प्लेस ही एंटायरली गंदा लगता है। बल्ले 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 पानी खेल के बल्ले बल्ले। देखो मैडम पानी खेलते हुए, पानी लेके गए अरे घुमाओ। फाइनली अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, बिकॉज दिन ऐसा हो गया और ठंडा स्टॉर्म हो रहा है तो ठंडा भी लग रहा है, ठंडा स्टॉर्म भी हो रहा है, थोड़ा पानी भी आने वाला है, तो विदाउट हम लोग भीग जाए इसे ऑलरेडी भीगा हुआ है, लेकिन थोड़ा मतलब सूखा कपड़ा में भीगने से अच्छा नहीं लगता ना, सो लाइक दैट ओनली वी आर लाइक गोइंग अबो चलते हैं। We'll show you like no, this is not the end. This is not the end of Shivkola. No, we'll it's continue. Not the end of Shivkola. We'll continue with the vlog. Okay. DIB का भी काम है. अभी देखते हैं काम होता है कि नहीं. ये तो वर्ष टाइम लगाएको थियो नि, खै यतापट्टि आउँदा चाहिँ उहाँहरूले पार्किङको भन्नुहुन्छ। एनिवेज सो यहाँ पार्किङ फिज रहेछ, जुन चाहिँ उता त उठाएको थिएन, तर यहाँ आएर चाहिँ भन्नुहुन्छ पार्किङ फिज। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि क्लिन साफ सफाइको लागि यो चाहिँ खोला, तर मैला चाहिँ धेरै मैला भएको छ दाजु, मैला त खोला डल्लै मैला भएको छ, प्लास्टिकको बोतलदेखि लिएर डल्लै भयो। हजारजना मान्छे आउँछ, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नि, अब के गर्नु भयो अलिअलि त। अब यो त क्लिन पार्किङदेखि लिएर ग्रिन क्लिनको लागि फिस त दिनुभएको रहेछ, तर यो त तपाईँले सफा राख्नु पऱ्यो नि त होइन, यो चाहिँ सफाइ राख्दैछु जति सक्दो, अब भाइ हामी भ्याएको जति त गर्दैछु, अब नसक्ने मान्छे आउँछ भाइ त्यस्तै छ, खोलामा बदल फुटाइदिन्छ, हामीलाई त बाहिरको सफा भन्दा पनि पानीभित्रको पानीको सफा छ हो, सारो सानो रहेछ यो त शेखोला त इतना बार आया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि मतलब अब मोमो दुकान के वहाँ से हमें ये पता चला कि क्या होता है शेखोला में और एक स्पॉट है और एक नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ खुला में स्पॉट था, लेकिन मुझे पता था, लेकिन ऐसी जगह नहीं मुझे पता था कहाँ से जाना है, वही तो मैडम ये साफ कर, लेकिन जाना ही नहीं हुआ, तो पता ही नहीं है, खोजेगा भी नहीं, खोजेगा भी नहीं, अब खोजेगा तो हमें थोड़ी ना खोजेगा, पानी छिटाओ। सो दिस इज द वे, यू हैव टू हाइक फॉर 15 मिनट्स राइट, सो यू हैव टू हाइक फॉर एटलीस्ट एज टोल्ड बाई द विलेजर्स, और ये विलेज के यहाँ से रास्ता है, सो किसी ने तो कवर नहीं किया था आज तक, कवर किया हुआ है ऑलरेडी, कितना बार कोको आ चुका है, दिख रहा है यहाँ से खोला दिखता है, और वहाँ पे ग्रीन क्लीन और उसका फीस देते हैं ये अंकल लोग, लेकिन साफ तो रखा नहीं है शिव खोला को, पता नहीं किस लिए पैसा लेते हैं। एनीवेज नेवरदलेस यहाँ पे सब मैंने चारों दुकान में नोटिस किया, छोटी छोटी दुकान हैं, स्टॉल है, मोमो वगैरह मिलता है, लेकिन बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर फ़ोनपे और जीपे पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, तो दैट इज़ वन ईजी मोड ऑफ पेमेंट दैट एवरीबडी कैन यूज़। लग रहा है मतलब अभी हम लोग बहुत ही पास हैं यहाँ से, सो वहाँ पे पहुँचा के दिखाता हूँ कि एक्चुअली है क्या, मेरे को जानना है अनिशा मेरे कब से बोल रही है ये पॉइंट को, एक्चुअली उन्होंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो शूट हुआ है जिसमें पानी को मतलब वो लोग वॉक करके क्रॉस कर रहे हैं, तो वो जो कैनल जो छोटा सा कैनल बना था वो बंद कर दिया गया, सो हम नीचे ट्रेल के रास्ते जा रहे हैं, वी टेकिंग दैट स्मॉल ट्रेल, सो बारिश भी स्टार्ट हो गया है बूंदाबांदी, सो दैट्स अ न्यू थिंग, हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम हमें भी शूट करने का मौका नहीं मिला, ये ऊपर का रास्ता जो पहले था अभी बंद हो गया, आज से ही बंद हो गया है, वहाँ से क्लोज कर दिया उन्होंने टोटली, सो ट्रेल के रास्ते हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, पॉइंट तो एक ही है लेकिन रास्ते अनेक हैं, ये खोला भी शिव का नाम पे पड़ा है तो इसे शिव खोला कहते हैं, शिव का खोला, खोला लिटरली मीन्स नेपाली में रिवर, सो इसी के ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है शिव खोला। एनीवेज इतना भीड़ है।
यहाँ चाहिँ म चाहिँ सन्डेको यो स्विमिङ पुल गएको जस्तो लाग्यो, सेभेन किङडममा भिड भएको जस्तै। सो यहाँ पनि भिडै काफी भिड देख सक्थ्यो, बट हम जाते वही पीसफुल था ना। हाँ, वो पीसफुल था, लेकिन दिस इज अ न्यू थिंग। नहाने के बाद ना घर में इसे क्या कहते हैं, चूल्हा, चूल्हा में पकाते हैं चूल्हा, और ये ला बाहर बनता है, हम नेपाली आको ऑर्गेनिक स्टाइल कुकिंग होने से ऑर्गेनिक है। राति चोरीको पनि डर हुँदैन है चुला कोर के जस्तो होइन ग्यासहरू राख्यो भने तर यहाँनिर त्यस्तो छैन, त्यस्तो हुँदैन। लुगा फेर्ने जग्गा त्यहाँ बाथेले लुगा फेर्ने के लिए जग्गा चाहिँ मुझे नै मिलेगा, नै मिलेगा। ठन्डै कपडामै बैठा छु, सामान निक्ले रुबेनले सेटिङ गर लिया और खाना 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 ऑर्डर करेंगे। लोकल कुखुरा भात हो खाना 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 खाया। तो वो भी तुम मैंने पेमेंट किया था ना, तो मेरा ये पेमेंट तो मेरा ही। मेरा लड़कियों के लिए क्यों बोलना है, क्या बोलना है, जो भी काम करती हो शादी के बाद में काम क्यों करने वाला होगा ना, तो खर्चा तुम्हारा, तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। काफ़ी यहाँ पे आके आज भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम तो अंदर नहीं गए क्योंकि कितना कह रहा है। देखो धीमे सेवन किंगडम मिल रहा है तो समर का डेट में कोई सेवन किंगडम मिल जाएगा, पैसा दे देगा। देखो कैसा इंजॉय कर रहा है नेचुरल स्विमिंग पूल में, नेचुरल स्विमिंग पूल में। और कितना कह रहा है देखो, लड़का लोग तो इतना इतना डूबा हुआ है, बैठा हुआ मजा नहीं हिंदो रहे आज सैटरडे भी नहीं है मैडम जी, फर्स्ट टाइम मैंने देखा खाली पैर चल रही, और आज सैटरडे भी नहीं है। ये देखो बाइक और गाड़ी का कतार शिव खोला के लिए, ये बाइक का लाइन है, इस तरह भी बाइक है पूरा, और उधर पे गाड़ी है। देखो आज तो इवन के भी नहीं है, वीकेंड भी नहीं है, तो वीकेंड में कितना भीड़ होता हो आप इमेजिन कर सकते हो। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब कल परसों जब तक वो है कुछ फैमिली ब्लॉग कवर करें घर में ही, या कुछ क्वेश्चनरी वगैरह आप सजेशन दो किस तरह का व्लॉग हम लोग कवर करें, क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग आवर फैमिली रिगार्डिंग अस, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, हम लोग शायद क्यू एन ए बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। और द थिंग इज दैट कि मतलब इतने दिनों के बाद, मतलब वन वीक ऑफ कंटिन्यूस अपना काम करने के बाद एक दिन निकलने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हम क्या करते हैं ना, मतलब हमारा कुछ सेविंग है कुछ नहीं है, मतलब हमारा क्या है कि जब तक है, मतलब ये जब तक टाइम है तब तक एटलीस्ट वीक में एक बार तो फैमिली के साथ, मतलब फैमिली अपना फैमिली बोले तो अपना वाइफ के साथ निकलना ही है, उसको कहीं घूमने लेके जाना है। सो माई मोटो इज़ दिस, बिकॉज आई टेक हर आउट एवरी वीक बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई बीन डूइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड शी लाइक्स इट, क्योंकि गिफ्टिंग विफ्टिंग से इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एंड शी लाइक्स टू एक्सप्लोर एज वेल, going around new places and having new food, having new, trying new experiences. So इसी के साथ सिक्सवला से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो आप भी घूमा कीजिए, आप भी देखा कीजिए, और अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो टाइम दीजिए। ऑफिस तो होते रहेगा, ऑफिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट देन ऑफिस से इम्पॉर्टेंट अपना फैमिली है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, और जो थिक एंड थिन ऑफ लाइफ में अनिशा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सो जब भी कभी उसको वहाँ से, मतलब दूर में तो उतना घूमने का उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि दैट इन सर्कल एरिया में दूर दूर तक कोई मेरे को जाने को नहीं मिलता अब तक,
सो कोशिश करते हैं कि मतलब जब कभी वो आती तो कोई ना कोई डेस्टिनेशन कवर करके उसका एटलीस्ट दो मिनट का खुशी भी दे सको, तो इतना इम्पोर्टेंट है। सो आई मेक अप दिस ब्लॉग टू कीप अ मेमोरी फॉर माई कमिंग जनरेशन और एंड टू सी। अभी 5 साल पहले वाला ब्लॉग देखता हूँ तो अभी हंसी आता है। मैं दोस्तों के साथ कोविड टाइम में हम लोग ने इन्जॉय किया था। सो सेइंग दैट इट्स अदी फ्रॉम शिपकोला, आई होप आई सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। यू नो द ड्रिल गाइस, यू नो द ड्रिल, भन्दामै यू नो द ड्रिल गाइस, लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। विल सी यू, दोज आर न्यू टु द च्यानल प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भेरी मच।